अस्सलाम वालेकुम, मैं गुलाम रसूल आज फिर आया हूँ एक नया वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ आलू पराठा हम लोग किस तरीके से बनाते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ आलू पराठा हम लोग किस तरीके से बनाते हैं और इसे हम लोग फ्रोजन करके किस तरीके से रख सकते हैं, इसमें क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, मैं पूरा आपको पूरा बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट्स भी ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले पराठा बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर ही 500 ग्राम व्हीट फ्लावर ले लेते हैं। आटा आटा का यूज़ करेंगे, मैदा का यूज़ नहीं करना है। साथ में थोड़ा सा यहाँ पर ही सॉल्ट ऐड करेंगे, साथ ही साथ 2 स्पून ऑयल ऐड कर लेते हैं। अब इसमें वाटर ऐड करके अच्छे से हमें सॉफ्ट डो रेडी कर लेना है। इस तरीके से अच्छे से हमें मिला लेना है, अच्छे से आटे को हमें गून लेना है, उसका सॉफ्ट डो रेडी करना है। अच्छे से गून लेने के बाद इसे हमें कवर करके रख देना है साइड करके। जब तक ये ढलेगा तब तक हम लोग स्टफिंग के लिए पोटैटो बना लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर हमने 250 ग्राम्स पोटैटो लिया है, छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। एक पॉट में वाटर लेते हैं, उसमें ऐड कर लेंगे इस पोटैटो को। उसके बाद उसमें ऐड करेंगे सॉल्ट टेस्ट के अनुसार, 1 स्पून हल्दी का पाउडर। अब इसे ऐड करके अच्छे से बॉयल होने के लिए छोड़ देते हैं, 10 से 15 मिनट में ये बॉयल हो जाएगा। देखिए हम चेक कर लेते हैं, हमारा बॉयल हो गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं, निकाल कर हम स्टैंडर में रख लेते हैं इसे। अब एक अलग पॉट लेते हैं, उसमें ऐड करेंगे 2 स्पून ऑयल। ऑयल गर्म हो जाने के बाद उसमें ऐड कर लेंगे 1 स्पून होल जीरा। अब उसे थोड़ा सा सौते करेंगे, उसके बाद उसमें ऐड करेंगे 3 पीस ओनियन चॉप्ड। अब इसे हमें 2 मिनट के लिए सौते करना है। पहले 2 मिनट सौते करने के बाद उसमें ऐड कर लेंगे 1 स्पून जिंजर का चॉप, 1 स्पून गार्लिक चॉप, 1 स्पून ग्रीन चिल्ली चॉप। अब इसे हम लोग पहले सौते कर लेते हैं, थोड़ा सा हल्का ब्राउन करेंगे, ज़्यादा नहीं। हल्का ब्राउन कर लेने के बाद फायर को स्लो कर देते हैं। उसके बाद उसमें ऐड कर लेंगे सॉल्ट टेस्ट के अनुसार, 1/2 स्पून रोस्टेड जीरा का पाउडर क्रश किया हुआ हमारा, साथ ही ऐड कर लेंगे 1/2 स्पून रोस्टेड धनिया का पाउडर क्रश किया हुआ, 1/2 स्पून चिल्ली फ्लैक्स, साथ में ऐड कर लेंगे 1/2 स्पून हल्दी का पाउडर, 1/2 स्पून चाट मसाला पाउडर ताकि चटपटा बने, साथ में ऐड कर लेंगे 1/2 स्पून गरम मसाला पाउडर ताकि इसका फ्लेवर भी और अच्छा आ जाए। अब इसे अच्छे से मिलाने के बाद इसमें बॉईल किया हुआ जो हमारा पोटैटो था वो इसमें ऐड कर देना है हमें। अब बॉईल पोटैटो को अच्छे से हमें मैश करना है। जितना अच्छा आपका मैश होगा पोटैटो, उतना अच्छा आपका आलू पराठा बनेगा और आलू पराठा फटेगा नहीं, इसलिए अच्छे से इसे हमें मैश कर लेना है पहले। उसके बाद इसमें हमें ऐड करना है कोरिएंडर चॉप्ड किया हुआ फ्रेश। उसके बाद इसे थोड़ा सा मिला लेते हैं 2 मिनट के लिए। उसके बाद इसे हम निकाल लेते हैं बाहर ठंडा होने के लिए। जब तक ये ठंडा होगा हम लोग ने जो डो बना के रखा था आटे का उसे हम बड़े कर लेते हैं और यहाँ पर ही आलू पराठे को स्टफिंग करते हैं। देखिए इस तरीके से पहले हम लोग आटे को ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हाथ के सहारे से। जो बनाया हुआ हमारा पोटैटो था वो इसमें ऐड कर देना है बीच में स्टफिंग करने के लिए। अब इसे अच्छे से फोल्ड कर देना है हमें, ठीक है। अच्छे से फोल्ड कर देने के बाद इसे अब हम बेल लेते हैं। देखिए रोटी की तरह थोड़ा मोटा रखना है आपको, ज़्यादा पतला नहीं करना है, और हल्का हल्का बेलिएगा वरना ये फट जाता है, ठीक है। देखिए इस तरीके से बेल लेने के बाद एक पैन लेते हैं, उस पैन में इसे हाफ डाउन करेंगे, ठीक है ना, फुल डाउन नहीं करना है हमें। देखिए थोड़ा सा इधर किए, थोड़ा सा इधर करने के बाद इसे निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हमें सारे को हाफ डाउन कर लेना है और इसे ठंडा कर लेना है पहले। आलू पराठा को हम लोग कच्चा फ्रोजन नहीं कर सकते, इसलिए इसे हाफ डाउन कर लेते हैं। हाफ डाउन हो जाने के बाद सारे, अब देखिए इसे फ्रोजन करने के लिए बटर पेपर लेते हैं, उसके ऊपर आलू पराठा जो हाफ डाउन किया हुआ है उसे ऐड करते हैं, फिर बटर पेपर रखेंगे, फिर आलू पराठा जो हाफ डाउन किया हुआ है उसे रखेंगे। इस तरीके से हमें लेयर बना लेना है, जितना एक बार में आपको चाहिए उतना ही लेयर बनाइए। और उसके बाद इसे हमें पैक करना है अच्छे से प्लास्टिक बैग में ताकि इसके अंदर एयर ना जाए। अब इसे हम डिफ्रोज कर देंगे -18 डिग्री पर। डिफ्रोज हो जाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा ये कैसा हुआ है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए हमारा फ्रोजन हो चुका है, ये कितना हार्ड हुआ है दिखाता हूँ आपको। देखिए पूरा हार्ड हो गया, एक एक करके निकल भी जा रहा है अच्छा से। ये देखिए हमारा कितना अच्छा निकल जा रहा है। अब इसे हम लोग फुल डाउन कर लेते हैं खाने के लिए। तवा पे इसे ऐड करेंगे, उसके बाद इसमें बटर ऐड करेंगे। आप चाहे तो ऑयल का यूज़ कर सकते हैं या घी का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर ही सेकने के लिए। मैं यहाँ बटर का यूज़ कर रहा हूँ। अब देखिए कितना अच्छा फूलेगा, माशाल्लाह देखिए कितना अच्छा ये फूल चुका है। अच्छे से इसे हमें सेक लेना है।
ये हमारा रेडी हो गया है फ्रोजन आलू पराठा रेसिपी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।